वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब और हल्फ के हवाले से केस के मुमकिन फैसले का मामला। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब और लीगी वज़रा का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पंजाब असम्बली के ऐवान की ताज़ा नंबर गेम पर गौर किया गया। हमजा शहबाज को कायदे ऐवान के दोबारा इंतखाब बारे ब्रीफिंग दी गई। हसन रजा से बात करेंगे। हसन, इस इजलास का क्या मकसद था, क्योंकि कल एक अहम समाअत भी होने जा रही है इस मामले के हवाले से? जी बिल्कुल, वही मकसद था और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हल्फ के हवाले से ज़ेर समाअत केस के मुमकिन फैसले के मामले पर ही इजलास तलब किया गया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिन फैसले पर मुशावरत की गई और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इजलास के दौरान आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की गई और इजलास में आईनी माहिरीन की राय की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाबात पर जो है वो हिकमत अमली भी तय की गई। इजलास में पंजाब असेंबली के ऐवान की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर किया गया और इजलास में ये इंकशाफ किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के वोट मिलाने के बाद 175 वोट जो है वो इनके और जो है वो हुकूमत को मिल सकते हैं। और आईनी माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब को कायदे ऐवान के दोबारा इंतखाब पर ब्रीफिंग दी, जिसने बताया कि वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब के सिलसिले में पहले काउंटिंग में कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकेगा और दूसरी काउंटिंग के दौरान ऐवान में मौजूद अरकान के अक्सरियत की बुनियाद पर जीत का फैसला होगा और इस वक्त ऐवान में मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद का कम अज कम 4 वोटों की अक्सरियत हासिल है। और आईनी माहिरीन ने की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हदायत कर दी है। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को ताहुक्म सानी सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में रहने की भी हदायत की गई है और वज़ीर आला पंजाब ने ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में इंतखाबी बॉन्ड के लिए जाने वाले अरकान पंजाब असेंबली को भी वापस लाहौर पहुंचने की हदायत कर दी है। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को पहले की तरह एक साथ ही एक होटल में इकट्ठे रखने पर भी जो है वो गौर किया गया है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कल बरोज़ बुध जो है हुकूमती इत्तेहादी और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका अकामी इजलास जो है वो उसमें 12 बजे ऐवान वज़ीर आला जो है वो तलब कर लिया गया है और इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिन फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया हसन, इस बारे आपने तफसीलन अपडेट किया।